learn something new. this is related to the neuro-linguistic programming, one of the best science in the world. no people are learning this science, and i think that uh, in pakistan, few people know about this science. neuro-linguistic programming, you can reprogram your mind, you can reset your mind, you can reset your paradigm, reshift your paradigm from, from, you know, डिस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव अगर आप कोई भी चीज लर्न करना चाहते हो तो आप लर्न बिहेवियर से अनलर्न की तरफ जाओ समथिंग से नो no वन की तरफ जाओ समन से नो no वन की तरफ जाओ कि कुछ बन गए हो जो भी आप हो ना वो कलेक्शन ऑफ क्या हो थॉट हो फीलिंग हो मोशन हो पैशन हो या ये बॉडी है और ये तुम्हें दिया किसने तुम लोगों को दिया किसने सोसाइटी ने कल्चर ने लोगों ने या किसी के पास बैठ के चार दिन उसने इंप्रेस कर दिया और वो आपने वो इकट्ठा कर लिया हीप और फिर आप उसे लेके फिर रहे हैं ऐसे ऐसे लेके फिर रहे पता नहीं मैंने क्या गेन कर लिया नथिंग इट्स ऑल नथिंग इट हैज ऑल क्रिएटेड बाई सोसाइटी पीपल एंड देयर इंफ्लुएंस एंड नथिंग एल्स वेर आर यू भाई तुम कहां हो तुम यू आर मोर देन हार्ट बॉडी माइंड एंड सोल तुम इससे भी बियॉन्ड हो और इतनी तुम्हारे पास एक इनफिनिट पावर है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो जो कुछ तुम सोचते हो वही बन जाते हो मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा कि एक आदमी थक के एक एक درخت के नीचे बैठ जाता है और उसके बाद वो सोचता है मेरे सामने बहुत भूखा था कोई चरवाहा था वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया उसने कहा कि मेरे सामने खाने आ जाए इतने खूबसूरत दस्तर खान उसके सामने आ गए खाने लग गया उसने कहा कि मेरे सामने क्लीन बिछ जाए क्लीन बिछ गया उसने कहा कि मैं मैं दुनिया का सबसे अमीर बंदा बन जाऊं मेरे पास सोना हीरे जवाहरात सब कुछ आ सब कुछ आ गया फिर उसने अपने माइंड में एकदम सोचा उसने एकदम उसके माइंड में थॉट आई उसने सोचा कि शेर आ रहा है और वो मुझे खा रहा है शेर आया और उसे खा गया इससे नतीजा ये निकलता है नीचे वो लिखता है और कहता है कि हम कुछ नहीं हैं। हम कुछ नहीं है जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं उसने जो सोचा वो बन गया फिर उसने शेर का सोचा वो आगे उसको खा गया तो वी आर नथिंग बट थिंकिंग मेक्स इट सो जो कुछ आप सोचते हैं आप वो बन जाते हैं जिस चीज को रिपीटेडली आप सोचते हैं मैं सुबह से निकलता हूं और शाम तक मैं हजारों लोगों को देखता हूं भाई मुझे हजार याद क्यों नहीं रहते जिसको मैं इंटेंसली फील करता हूं कोई ऐसी शेप जो इंटेंसली जो डिफरेंट होगी वो याद रहेगी बाकी सारी भूल जाती है सत्तर हजार था इंसान के माइंड में आती है उसमें से कुछ याद रहती है इंसान के दिमाग के अंदर अल्लाह तला ने ऐसे फिल्टर लगाए हुए हैं कि वो डिलीट करता है वो डिस्टोर्ट करता है और जनरलाइज कर लेता है नहीं तो ये फट जाए इतना तो वो उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो सत्तर हजार या अपने अंदर लेके फिरता रहे तो जो आपने जनरलाइज किया है कहीं फिल्टर गलत तो नहीं कर लिया अपना कहीं कोई गलत थॉट तो अपने ब्रेन के अंदर नहीं डाल दी और वही आपको फिर परेशान करती रहती है योर सेंसेस आर योर यू कैन कंट्रोल इट ये सेंसेस तुम्हारी हैं और तुम इसको कंट्रोल कर सकती हो किस तरह से अपने नोज के साथ नोज से क्या चीज मेरे नाक के अंदर जाएगी मैंने उसको रोकना है अगर बुरी है तो ना जाए अच्छी हो अच्छी स्मेल हो तो मैं उसे चाहता हूं कि वो जाए वो मुझे अफेक्ट करे वो मुझे इंप्रेस करे और आइज के जरिए भी मैं अपनी आइस को कंट्रोल कर सकता हूं कि मैंने क्या देखना है और क्या नहीं देखना अगर कंट्रोल नहीं कर रहा तो मैं ऑटो पायलट एक मशीन बना हुआ हूं उसके बाद क्या सुनना है क्या मेरे लिए अच्छा है और मैंने क्या सुनना है और हाथ से कैनस्थेटिक क्या देनी है मैंने टच के जरिए क्या अच्छा देना है अपने आप को जो मेरे बॉडी के मसल में जाए जुबान के साथ हम जो भी चीज अपने ब्रेन के अंदर लेके जाते हैं या आइज के जरिए या कानों के जरिए या माउथ के जरिए या टच के जरिए यानी जो भी ब्रेन तक पहुंचते हैं ये सारे सेंसरी ये सेंसेस हैं अगर आप सेंसेस के जरिए टीच नहीं कर रहे इन सेंसेस को यूज करके तो आपके बच्चों को कोई समझ नहीं आ रही आपकी अब मैं आपको ये कहूं कि यू फील दैट यू आर इन अ कलरफुल लैंथ यू आर सीइंग अ ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ यू देर आर ग्रीनरी आई एम क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टिंग इमेजेस विच इज कॉल्ड विजुअल लर्निंग

आपके सामने जो बच्चा बैठा हुआ है या आपके सामने जो टीचर है कभी कभी टीचर जो होता है वो आप विजुअल होता है विजुअल लर्नर होता है या विजुअल टीचर होता है जबकि उसके सामने स्टूडेंट ऑडिटरी बैठा हुआ है अब दोनों का मैच नहीं होता एक हस्बैंड और वाइफ है हस्बैंड और वाइफ है और वो वो खुद विजुअल है और उसकी वाइफ जो है वो ऑडिटरी है मतलब वो पिक्की उसको करती है जो ऑडियो की शक्ल में जाती है बाकी वो सब कुछ वो कहता है देखो मैंने कार खरीदी देखो कितना खूबसूरत बंगला बनाया देखो ये कितने खूबसूरत फ्लावर लेकर आया हूं तो वो आगे से कहती है वो अपना मूड बना लेती है उस वो, लर्नर है, वो चाहिए कि वो कुछ गुड वर्ड्स मुझे कहे तो वो नहीं कहता वो कहता कभी आपने मुझे प्यार से कुछ बोला है वो आगे से ये क्योंकि वो सुनना चाहती है तो वो आगे से बोला तो है बोला तो है तुम्हें बोला तो है आई लव यू अब देखिए अब टोन टोन मैच नहीं कर रही कि वो दोनों चीजों को फिर जब वो बोलता है तो वो आगे से आगे रिस्पॉन्ड भी वैसे आता है फिर लड़ाई शुरू हो जाती है तो कुछ होते हैं विजुअल लर्नर्स कुछ होते हैं ऑडिटरी अगर आपके सामने ऑडिटरी बैठा हुआ बंदा जो ऑडियो को समझता है सिर्फ वो आपकी विजुअल को नहीं देखता आप सारी दुनिया की चीजें उसके सामने रख दें कि ये देखो कार ये देखो बिल्डिंग ये देखो इतना बड़ा मकान उसने उसको देखना ही नहीं क्योंकि वो ऑडिटरी बंदा है कुछ ऑडिटरी होते हैं कुछ विजुअल होते हैं कुछ कैनेस्थीटिक होते हैं कैनेस्थीजिया दे फील समथिंग वेन यू टच सो ऑल पीपल आर नॉट लाइक दैट बच्चे अब आपके सामने और बैठे हुए हैं आप कुछ और तरह के टीचर हैं जो ऑडिटरी लर्नर होता है वो उसके उसके लर्न करने का तरीका कार और होता है मिसाल के तौर पर आपको मैं ले जाता हूं अपने कॉलेज के कॉलेज में मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी में ले जाता हूं मैं मैं दस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में लेके जाता हूं दस को कहता हूं यूनिवर्सिटी को ऑब्जर्व करके इसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिख दें क्या दस के दस एक ही तरह का लिखेंगे उसमें हो सकता है कुछ कुछ लोग जो हैं वो ऑडिटरी हों कुछ विजुअल हों कुछ कैनस्थेटिक हों हर बंदे की लर्निंग स्टाइल ही डिफरेंट है अब हर बंदा अपने डिफरेंट तरीके से लिखेगा कुछ लोग जो थर्टी परसेंट हो सकते हैं ऑडिटरी थर्टी परसेंट विजुअल होंगे फोर्टी परसेंट वो कैनिस्थीटिक होंगे वट विल यू डू तो दोनों की उन सारे स्टूडेंट की जो वर्डिंग है वो डिफरेंट होगी और जो वो एक्सप्रेस करेंगे वो डिफरेंट होगी जब भी कोई विजुअल लर्नर बोलता है या कोई इमेज कंस्ट्रक्ट करता है जब वो अपने ऐसे राइट right की तरफ देखता है तो वो इमेज कंस्ट्रक्ट करता है जब वो लेफ्ट की तरफ देख रहा होता है तो वो रिकॉल करता है इमेज वो रिमेंबरिंग कर रहा होता है जब वो नीचे देख रहा होता है तो वो क्या करता है वो इंटरनल डायलॉग वो खुद से डायलॉग कर रहा होता है टॉकिंग टू हिमसेल्फ जब वो राइट right देखता है तो वो कोई इमेज कंस्ट्रक्ट करता है रिमेंबर नहीं करता बनाता है इमेज क्योंकि वो विजुअल है तो वो बनाएगा इमेज फिर ही बोलेगा और हमेशा आपने देखा होगा कुछ बच्चों से मैं बच्चों से जब कोई लेसन सुनता हूं ना मैं कहता तो हूँ चलो जी एक्सप्लेन करो तो वो आगे से कहेगा वर्ड्स uh, वर्थ की कोई पोय है तो वो बताता बताता वो ऐसे एक इमेज बनाते हैं और थोड़ा सा अटक जाते हैं और फिर मैं उसे कहता हूं कि यार तुम बहुत सुस्त बोल रहे हो बड़े सुस्त स्टूडेंट तो वो अब मुझे जब मैंने इसको इसकोलॉजी स्टडी किया तो मुझे पता चला कि वो विजुअल लर्नर होते हैं वो एक इमेज बनाते हैं अपने माइंड में जैसे इमेज उनकी थोड़ी सी इधर उधर ब्रेक हो जाती है तो वो बेचारे कहीं के कहीं निकल जाते हैं और सामने अगर टीचर भी वैसे विजुअल हो तो वो आगे से पूछता है कि सर मैं कहाँ था अगर उस्ताद ने डिस्टर्ब कर दिया तो वो आगे पूछेगा सर मैं कहा था तो आगे से उस्ताद भी विजुअल हुआ तो उसने कहा मुझे भी नहीं पता <laughs> तो इस तरह कुछ स्टूडेंट जो हैं वो क्या होते हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं भाई कुछ होते हैं ऑडिटरी लर्नर होते हैं कुछ कैनस्थेटिक होते हैं देखें हमारे टीचर्स ने जिनको खुद नॉलेज नहीं था जो पढ़ाते रहे हैं बगैर इस चाइल्ड साइकोलॉजी के वो कितना गलत करते रहे हैं

आप में सबसे जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसका नाम है फहिम फिम का मैंने कहा लाइफ स्टाइल क्या है सुबह उठता है सुबह पढ़ता है सारा दिन किताबें उसके पास रहती हैं उसके मदर पढ़े लिखी है फादर उसका पढ़ा लिखा है सारे उसको कहते रहते हैं और ट्यूशन जाता है मॉल भी पढ़ाने आता है सारा दिन वो पढ़ता है सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है मैंने कहा आप लोगों को क्या मतलब कितने घंटे पढ़ते हो सर आधा घंटा वो भी दिल नहीं करता मैंने कहा एक बंदा सारा दिन पढ़ता है यार आप आधा घंटा पढ़ते हो तो आप उसकी तरफ देख के ये क्यों कहते हो कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है देयर इज समथिंग रॉन्ग आपका पैटर्न ठीक नहीं है भाई आप भी उनका पैटर्न बना लो तो आप उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे उनको मैंने एक लेक्चर दिया और बिलीव मी थोड़ा सा काम उनके उनको चेक किया कि ये ऑडिटरी लर्नर है विजुअल लर्नर है या कानेस्थेटिक है उनको जैसे ही जज किया और उसके बाद मैंने जब उनको होमवर्क दिया तो वो बच्चे उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। जस्ट मैं आपको एक न्यूरो भी लिखा एंड आई एम वेरी हैप्पी मैं इतना खुश हुआ कि यार उन बच्चों का कसूर नहीं था जो पढ़ नहीं सके थे असल में प्रॉब्लम यह था कि टीचर को अगर नॉलेज होता कि वी ए के क्या होता है वी What is कुछ बच्चे होते हैं विजुअल लर्नर क्या होते हैं बच्चे कुछ बच्चे होते हैं विजुअल उनको जब तक इमेज या मूवी की शक्ल में चीज ना दिखाओगे वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे अगर कोई वो रिकॉल करेंगे तो वो कंस्ट्रक्ट करते हैं इमेज और उसके मुताबिक वो पढ़ते हैं हमेशा अगर भी किसी भी लर्नर से बात कर रहे हो किसी कस्टमर से बात कर रहे हो जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड भी लोगों को हम डील करते हैं अगर आप जाए किसी भी किसी उनको पता नहीं है लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं एन को आप किसी से प्लाट लेने जाए तो वो आपको दिखाएंगे सर यहाँ पे आपका प्लाट होगा यहाँ पे आपका गार्डन होगा यहाँ पे मस्जिद होगी यहाँ पे सीढ़ियां होगी यहाँ से आप ऊपर जाएंगे व्हाट इज दिस उनको पता नहीं है लेकिन वो भी एनएलपी इस्तेमाल कर रहे होते हैं एनएलपी हमेशा कंस्ट्रक्ट कर देती है इसका जो विजुअल इसकी ये टेक्निक है ये आपके सामने इमेज बना देती है और विजुअल लर्नर उसको बड़ा जल्दी से पिक करता है कि ये दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न ये बहुत अच्छा टीचर है जो मुझे पिक कर गया है इसकी मुझे समझ आ रही क्यों कि वो इसको टच कर रहा होता है क्योंकि वो चूंकि वो बच्चा विजुअल लर्नर है तो भी फिर विजुअल बन जाता है अपनी टेक्निक वैसी बना लेता है वो इमेज को समझता है मूवी की सकल, शकल में चीजों को समझता है उसे टेल्स बना के चीजों को बताया जाए स्टोरीज की शक्ल में उसे पढ़ाया जाए उसके लिए भाई मेथड होंगे आजकल यूरोप में डेवलप कंट्री में वो लदा कर रहे हैं इनको ये विजुअल लर्नर है ये ऑडिटरी लर्नर है ये कन, हमारे तो यहाँ पे ये कंसेप्ट ही नहीं है अच्छा ये कुछ बच्चे होते हैं वो ऑडिटरी लर्नर होते हैं ऑडिटरी लर्नर अगर उस्ताद भी ऑडिटरी लर्नर है और बच्चा आगे से उसके सामने विजुअल लर्नर बैठा हुआ है तो वो उसकी दोनों के दोनों का कभी भी वो डेसोनेस आ जाएगा डेसोनेस का मतलब होता है कॉग्नेटिव डेसोनेस उनका मैच नहीं होगा बच्चे को समझ नहीं आएगी बच्चा वैसे रेस्टलेस रहेगा और वो कुछ बोल रहा होगा उसे पिक्चर की शक्ल में डाटा चाहिए कि बनाए कोई इमेजरीज उसके सामने विजन खेचे पिक्चर्स की तरह समझाए उसको और वो आगे से ऑडिटरी लर्नर है और जो विजुअल लर्नर होता है वो हमेशा इमेज बनाएगा और लंबे लंबे सांस लेगा जब वो भूल जाएगा तो वहां से कट ऑफ हो जाएगा उसका फिर वो दोबारा इमेज बनाएगा वो पूछेगा कभी सामने वाले से मैं कहा था यार तो वो आगे से बताएगा आगे वो अगर विजुअल लर्नर हुआ तो वो भी अगर नई इमेज बनी तो वो भी आगे से कहेगा यार मुझे भी नहीं तो इस तरह आपने देखा होगा तो पहली बात यह है कि जब भी कोई आपके सामने कोई बंदा बंदा है तो वो अगर लेफ्ट अपने राइट को देख रहा है तो वो क्या बना रहा है कोई इमेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है एनएलपी कहती है कि वो इमेज कंस्ट्रक्ट करता है कोई चीज बनाता है अगर वो लेफ्ट को देख रहा है तो वो क्या कर रहा है रिकॉल कर रहा है रिमेंबर कर रहा है ब्रेन के भी दो हिस्से होते हैं लेफ्ट और राइट तो अगर वो लेफ्ट बार बार ऐसे देखता है ऐसे कोई चीज आपने देखा होगा कोई पूछे ना यार

उन्हें चाहिए विजुअल उन्हें चाहिए इमेजेज और वो लंबी लंबी सांस लेंगे और कहीं अटक गए तो वो पूछते फिरेंगे फिर क्योंकि वो ये लर्नर है ऑडिटरी लर्नर जो होते हैं ऑडिटरी भी साउंड जो है वो अपनी कभी वो इधर से कैच करता है अगर वो इधर कर रहा है अपनी आंख को या आंख कान को ऐसे तो इट मीन ही इज आल्सो रिमेम्बरिंग ऑडियो अगर इधर कर रहा है तो ही इज कंस्ट्रक्टिंग ऑडियो तो इस तरह ऑडियो में भी ऐसे करते हैं ऑडिटरी लर्नर भी लेकिन इनका मोड्स डिफरेंट होते हैं इनके मोड्स मोड ऑफ लर्निंग डिफरेंट होते हैं उसके बाद हमारे पास आ गया कैनेस्थीटी कैनेस्थीजिया अगर आपका बॉस जो है वो कैनेस्थीटी कैनेस्थीजिया से रिलेटेड वो कैनेस्थेटिक लर्नर है और आप उसके सामने विजुअल हैं आप दोनों का भी प्रॉब्लम आ जाएगा आपके बॉस को चाहिए कि आपको चलते फिरते वर्क करता वो देखे मतलब आप आए और सलाम भी ना लें और पढ़ाते रहें सारा दिन खपते रहें उसे चाहिए कि वो आपको मूवमेंट करता खुद देखे उसे फाइल अगर कोई है तो फाइल उसे ऐसे दिखाएं ये फाइल ये मैंने इतने काम किए ये ढेर लगे हुए वो फिर खुश होगा तो इस तरह हर एक लर्नर जो होता है उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है उसका सोचने का पिकअप करने का कैनस्थेटिक जो बॉस है वो कभी खुश नहीं होगा अगर आप एक साइड पे बैठे रहेंगे उसके सामने मूवमेंट करते नजर आओ कोई वर्क करते फाइलें तैयार की हैं, तो उसे दिखाओ, yes, sir, और अगर आप उसके सामने जितनी बड़ी मर्जी स्टोरियां बताते रहे जब तक वो उसे फील नहीं करवाएंगे फील कैनस्थेटिक उसे फील करवाए आई हैव डन समथिंग फिर वो खुश होगा इसी तरह बच्चे बच्चों को भी आपने कुछ उसको फील करवाना है नहीं जी, ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो जाती है वी ए के, के थ्रू ये देख रहे हैं ये ब्रेन के अंदर मैंने आपको पहले बताया था जो यहां पे चली जाती है चीज एक दफा यहां से आप रिमूव नहीं कर सकते सारी जिंदगी सफर करते रहेंगे अगर उसी को डीपली सोचते रहेंगे और उसे उसे रहेंगे। मैं उसे नहीं याद करूंगी मैं उसे नहीं याद करूंगी मैं उसे नहीं याद करूंगा मैं उसे भूल जाऊंगा मैं उसे जितना ज्यादा सोचोगे उतना डीप होता जाएगा यहां पर रस्ते बनते जाएंगे चाहोगे भी तो उन भूल भलाइयों से बाहर नहीं आ सकोगे उसका मेथड मैंने आपको ये बताया कि माइंड से कोई चीज वॉश नहीं होती ये स्लेट नहीं है ये न्यूरल पैटर्न है बन गए बस बन गए इसका मेथड ये है कि अगर एक आपने पैटर्न यहाँ पे फार्म कर लिया और बार बार किया एक दिन में फार्म नहीं होती कोई चीज भी उसके लिए साल चाहिए ठीक है वो सालों से फार्म हुआ रास्ता तो जब भी आप कोई चीज सोचोगे तो वो हमेशा जन ज, और जर्नलाइज करके इधर ले आएगा ब्रेन आपने उसके मुकाबले पे कोई ऐसी एक्टिविटी बनानी है जो इसको रिप्लेस करे इस तरह कि अब जब भी थॉट आए तो वो इसमें चली जाए यहां पे अगर आप देखें यहां पे कोई ऊंची जगह है और ये यहां पे थोड़ी सी आपका नमी है या ये नीचे जगह है यहां पे अगर पानी का कतरा गिरे तो वो यहां पे जाएगा या इसके ऊपर ही बैठा रहेगा हमेशा वहां जाएगा, जाएगा जहां रास्ता होगा तो यहाँ पे जो भी चीज होगी जो रस्ते आपने बना लिए हैं उस रस्ते से ही थॉट गुजरेगी तो अगर उस उसका एक मेथड है कि जो आपने पहले पैटर्न बनाया है उस पैटर्न के मुकाबले में एक और पैटर्न बनाएंगे और बनाएंगे उसी मेथड से जिससे आपने पहले बनाया है इंसान के अंदर हीलिंग पावर होती है हीलिंग पावर इंसान के अंदर ही है बाहर से नहीं आती उसके अंदर ही है जब वो ये सोच लेता है कि मैंने इसको इसके मुकाबले में ऐसा ही रास्ता बनाना है थोड़ा सा विल पावर चाहिए कोचिंग चाहिए लर्न लर्निंग करनी पड़ेगी कि ये न्यूरल सिस्टम काम कैसे करता है ये बंद कैसे जाता है न्यूरो होती क्या है सब मोडेलिटीज क्या होती हैं इन इनको स्विच पैटर्न कैसे यूज करना है मेटा मॉडल कैसे यूज करना है मिल्टन मॉडल कैसे यूज करना है और हमने किस तरह रीशेप करना, करना, करना है अपना ये सारी चीजें विदेज ऑफ टाइम इन न्यूरोस्टिक प्रोग्रामिंग आई होप यू हैव लर्न न्यू टेक्निकिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यू हैव लर्न you have learned what यू हैव what is auditory and what is kinesthetic learners Hope you learned a lot. Don't forget to subscribe and like our channel. Hope you are learning. If you are learning, also comment on our channels. Stay blessed and have a nice day.